PSL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTT न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी PSL की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। नमस्कार मेरे सभी साथियों को, मैं एडवोकेट अमित गर्ग प्रदेश अध्यक्ष आमजन कल्याण समिति से एक बार फिर बहुत दिनों बाद आप लोगों के समक्ष ये मैसेज जो आज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सभी यूट्यूबर्स का जो हमारी बात को आप तक पहुँचाते हैं, जन जन तक, जो भी पल्स पीड़ित हैं, निवेशक हैं, एजेंट हैं, परेशान हैं। साथियों, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक पल्स पीड़ित हूँ, छोटा सा एजेंट था, कार्यकर्ता था और अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, लगातार लड़ रहा हूँ। जो भी आगे आया उसके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, चाहे मैं फिर कोई भी संगठन रहा हो, मेरी किसी भी संगठन के पदाधिकारी से, किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ लड़ाई है अपने हक के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, कंपनी से। PSL कंपनी को मैं हमेशा दोषी मानता हूँ, मानता था, मानता रहूँगा। यदि मेरी विचारधारा से किसी को तकलीफ है तो वह उसकी अपनी सोच है, लेकिन PSL कंपनी गलत थी। साथियों, यदि आज भी हम कंपनी को सही बताएंगे तो हम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाएंगे। साथियों, इतने लंबे सभी संगठनों ने मिलकर, सभी लोगों ने जो जमीनी संघर्ष किया, सेबी ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा किए, लेकिन उसके बाद भी आज जो PSL का 2 फरवरी 2016 में जजमेंट आया, उसके बाद भी हम लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाए कि हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। इसलिए सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सब अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहूँगा कि आप जिस संगठन से भी जुड़े हैं, चाहे वह हिंदुस्तान में कोई भी संगठन हो, किसी भी राज्य का हो, उससे एक ही बात कहें कि जमीनी संघर्ष करते करते हमें इतने वर्ष बीत गए, क्या अब इसी तरह से हम चुप बैठ जाएं? या हम आपसे जुड़े थे तो क्या सुप्रीम कोर्ट में, जो बात मैं लंबे समय से 2-3 महीने से कह रहा हूं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्या यह गलत है? क्या और संगठन तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, कंपनी के खिलाफ, सेबी के खिलाफ, लोढ़ा कम्युनिटी के खिलाफ? इसका एक छोटा सा सबूत मैं देता हूं कि पिछले 2-3 महीने से PSL ऑफिस आगरा में मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं, लोग आते हैं, मेरे से बात होती है उनकी, लेकिन किसी ने भी मुझे अभी तक गलत नहीं बताया। लेकिन दुख की बात यह है कि आगरा में इतने सीनियर्स होते हुए, इतने EM होते हुए, बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी होते हुए, किसी ने भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा जब हमने संपर्क करने की कोशिश की बड़े सीनियरों से, बड़े पदाधिकारियों से, तो उल्टा मेरे ही खिलाफ लूट का, धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया। आप सोच सकते हैं कि आखिर बड़े बड़े सीनियरों की, बड़े बड़े पदाधिकारियों की नीयत क्या है। साथियों, हमने इतना लंबा संघर्ष किया, हम सब ने साथ मिलकर इतने दिन जंतर मंतर पर गुजारे, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, लेकिन आज भी हम अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, अब न देर करते, क्योंकि अब लॉकडाउन भी खुल चुका है, लगभग आवागमन भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चल चुका है, तो हमें फिर से एक बार संगठित होकर, मैं यही कहूँगा, प्रयास करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में एक बढ़िया वकील अपनी शर्तों पर करना चाहिए, कोई हम उसे पैसा दे रहे हैं। पहले लोगों ने वकील के नाम पर लूट किया, चंदा बटोरा, ठगी की, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? इसलिए साथियों, अब हमें कंपनी के खिलाफ खड़े होना है, उस जजमेंट के खिलाफ खड़े होना है जो हमारे फेवर में होते हुए भी हमारे फेवर में नहीं है। साथियों, मुझे अपनी चिंता नहीं कि मेरे साथ भविष्य में क्या हो, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जिस लड़ाई को हमने शुरू किया वह एक मुकाम तक पहुंचे, सभी पल्स निवेशकों का पैसा मिले, सभी एजेंटों का मान सम्मान वापस हो, जो आज पुलिस के डर से, निवेशकों के डर से घर छोड़ गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हैं,
आखिर कब तक इस तरह से हम जान बचाने के लिए लड़ेंगे? साथियों, अब जान बचाने के लिए नहीं, हमें पैसा लेने के लिए लड़ना है। इसलिए जो सीनियर साथ गुमराह आज भी कर रहे हैं, तो अब आपको उन सीनियरों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। साथियों, एक्शन लेना होगा, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी जिले का हो। यदि आज भी हम उनकी जी हजूरी करते रहे, उनकी बातों में आते रहे, तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। आपको तय करना होगा कि आपको पैसा लेने के लिए लड़ना है या अपनी जान बचाने के लिए लड़ना है। क्या आप अपने आप को गलत मानते हैं कि आपने पीएसीएल में काम किया था, या आपके सीनियर ने जोड़ा था, जो वादा किया था उसे निभाया, या कंपनी के से जो निवेशक और एजेंट का करार हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमको इतने वर्षों में पैसा मिल जाएगा, क्या वह कंपनी ने दिया? हमें नहीं पता कि सेबी ने कंपनी को क्यों बंद किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कंपनी ने हमें तय समय में पैसा नहीं लौटाया, और ये जिम्मेदारी कंपनी की थी, है और रहेगी। जब सेबी कंपनी से लड़ सकती है, तो हम भी कंपनी से ही लड़ सकते हैं आज भी। तो कंपनी, सेबी और लोढ़ा कमेटी, हमें तीनों को साथ लेकर लड़ना है। हमारे लिए न कंपनी सही है, न मैनेजमेंट सही है, न सीनियर सही है। साथियों, उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं लगातार ये बात कहता हूँ, मीटिंग भी कर रहा हूँ, लोग आते हैं मेरे पास, मैं आगरा में बैठ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जल्द से जल्द इस सुप्रीम कोर्ट की हम लोग कार्रवाई शुरू करने वाले हैं, क्योंकि फरवरी तक लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट बंद थी, अब बहुत जल्द मार्च से सुचारू रूप से खुलेगी धीरे धीरे, तो हम लोग अपना एक वकील करेंगे। लेकिन वकील करने से पहले हम लोग किस बेस पे करेंगे? आखिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे पास हमारा डाटा नहीं है, क्योंकि कंपनी और सेबी नहीं दे रही है। तो साथियों, जो हमारे पास डाटा है, हम उसके बल पर लड़ेंगे कि हमारी ये पॉलिसी है और हमारा पैसा नहीं मिला है, वो हमारे लिए साक्ष्य का काम करेंगे। साथियों, तो उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और जल्द से जल्द जो भी साथी हमारे संग लड़ना चाहते हैं, जो भूल गए पैसे को, वो भूल जाए। जिन्होंने सोच लिया नहीं मिलेगा, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी साथी आज भी चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले, बेशक और एक साल बाद मिल जाए, तो बस मैं ऐसे साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि इस लड़ाई को अभी हमारी ज़रूरत है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने मान सम्मान के लिए। और मैं जितने भी संगठन चल रहे हैं, मैं उनसे भी यही करूंगा कि अब और अधिक लोगों को गुमराह ना करें कि सेबी ऑफिस में ज्ञापन देते हुए आप फोटो खिंचा रहे हैं, और क्या कहते हैं, वो काम सबने करे, बहुत कर लिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उससे कुछ नहीं होना। लोगों को गुमराह करना बंद करें, संगठन सच्चाई के साथ लड़ें, क्योंकि आप एक जिम्मेदार सीनियर थे, जिम्मेदार पदाधिकारी थे, सीनियरों के नाम पर जमीनें थीं। आज भी आप लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, आपका जमीर मर चुका है, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है ऐसे सीनियरों को, ऐसे पदाधिकारियों को, जो बार 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 एजेंटों और निवेशकों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, सच्चाई के साथ लड़े, ऐसे ठगियों के साथ अब बिल्कुल ना लड़े, जो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, अपने मतलब के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप सब समझदार हैं, मैं यही कहूंगा साथियों, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम आज भी संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट की रास्ता पकड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा वकील करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, तो जब हम उसे पैसा देंगे, तो हमारे हित की बात रखी जाएगी और जल्द हमें न्याय मिलेगा। तो बस मैं यही कहूंगा साथियों, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिस जिले में आप, जिस जिले में अपने, अगर आमजन कल्याण समिति के तहत मीटिंग कराना चाहते हैं, लोगों को जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपने जिले में मीटिंग कराने के लिए, आप जहां भी मीटिंग कराना चाहें, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास, सभी के पास है, फिर भी मैं एक बार दे देता हूं अपना मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 7983471026। तो आप अपने ज़िले में, किसी भी ज़िले में मीटिंग कराने के लिए, पीएससीएल के तहत जानकारी लेने के लिए, आगे क्या करना चाहिए उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस अब हम सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ेंगे, जिससे कि हमारा जल्द से जल्द पैसा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।